बायोग्राफी एक जीवन गाथा में आज हम एक ऐसी शख्सियत को नमन कर रहे हैं जिनकी दूर दृष्टि और पक्के इरादे ने भारत को आज का भारत बनाया। वो शख्सियत जिनके लौह प्रयासों ने भारत को एक कड़ी में बांधा और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया भर में भारत की गूंज अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और ये महान शख्सियत हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस भारत में आज हम रहते हैं उसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी सरदार पटेल ने। इसीलिए उनके जीवन की कहानी की शुरुआत हम वहां से करने जा रहे हैं जब भारत आजाद होने वाला ही था। 1947 का दौर। आजादी से पहले भारत 565 छोटी बड़ी रियासतों में बंटा था। भारत में विलय के लिए इन रियासतों को राजी करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई थी। उन दिनों सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे। रियासतों को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी को सरदार पटेल ने न निभाया होता तो शायद भारत का इतिहास ही नहीं बदलता, नक्शा भी बदल सकता था। भारत आजाद नहीं हुआ लेकिन तय था कि आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बनेंगे। 3 जून 1947 का दिन। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से भारत के वॉइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना शाम को अपने भाषण पढ़ने लगे। भारत को बांटना एकमात्र रास्ता है। इस बात का ऐलान सबसे पहले वॉइसराय माउंटबेटन ने किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देखिए, माउंटबेटन प्लान जो है 1945 से और 1947 तक जो एक कुर्सी और बेस पे बैठ के वार्तालाप हो रहा था कि भारत के लिए क्या किया जाए, ये प्लान उसका नतीजा था। आजादी की घोषणा के साथ ही एक सवाल खड़ा था कि आखिरकार कितने मुल्क आजाद होंगे, 2 या फिर 565। भारत की 565 रियासतों पर अंग्रेजों का सीधा शासन था। कुछ रियासतों ने मान लिया था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो उनकी गुलामी यानी पैरामाउंटिसी भी खत्म हो जाएगी और सभी रियासतें आजाद होकर अपना भविष्य तय करेंगी। राजा महाराजा नवाब और निजामों के सपनों की बदौलत अखंड भारत का सपना बिखर सकता था। कुछ रियासतों ने तो वायसराय पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। राजाओं को माउंटबेटन के द्वारा समझाया गया। माउंटबेटन को सरदार ने बताया कि आप इनको संबोधित करें, क्योंकि माउंटबेटन का एक इमेज ऐसा था कि वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था और राजाएं सब ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पैरामाउंट से पिछले 200 साल से परिचित थे। तो माउंटबेटन की जो कुछ बातें थी वे लोग समझते थे, स्वीकार करते थे। तो सबसे पहले माउंटबेटन को बोलने के लिए कहा, बाद में सरदार ने राजाओं को समझाया। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत का सपना सरदार पटेल को पूरा करना था। सरदार पटेल और माउंटबेटन की देखरेख में वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी रियासतों के विलीनीकरण का मसौदा तैयार हुआ। हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के लिए रियासतों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल करने की शर्त रखी गई।
उस समय इन राजा महाराजाओं का एक संगठन चेंबर ऑफ प्रिंसेस था। इसके प्रमुख थे भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह। नवाब हमीदुल्लाह ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने का खुला विरोध करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि हमीदुल्लाह जिन्ना के बहकावे में थे। इंदौर के महाराजा ने भी भोपाल नवाब का साथ दिया और भोपाल और इंदौर रियासतों के इस कदम से सरदार पटेल की मुश्किलें बढ़ गईं। दूसरी रियासतें भी मुल्क बनाने का इरादा जाहिर करने लगी। जिस जिस रियासत ने पाकिस्तान में जाने की बात की, हैदराबाद उन्होंने पुलिस एक्शन कराया, जूनागढ़ पे पुलिस एक्शन हुआ, नवाब को वहां के जूनागढ़ के भागना पड़ा। राजस्थान के जिस राजा ने लिख के दे दिया था जिन्ना को, क्योंकि जिन्ना ने एक खाली कागज दस्तखत करके भेज दिया था कि मेरे में शामिल हो जाओ जोधपुर, तो उन्होंने फिर उसको अपनी तरफ परिवर्तित किया। 11 जून 1947 को त्रावणकोर ने खुद को आजाद संप्रभुता संपन्न देश बनाने का ऐलान कर दिया। त्रावणकोर रियासत के बगावती ऐलान के ठीक एक दिन बाद हैदराबाद ने भी विरोध का बिगुल बजा दिया। 12 जून 1947 को हैदराबाद ने अपनी रियासत को 15 अगस्त के बाद आजाद रहने का ऐलान कर दिया। सरदार पटेल समझ गए कि अगर जल्द सख्त कदम न उठाए गए तो त्रावणकोर और हैदराबाद की कदमों पर चलते हुए 565 रियासतें भी खुलकर बगावत कर देंगी। संयुक्त भारत का सपना टूटता देख अंतरिम सरकार के गृहमंत्री और रियासत मामले के मंत्री सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए इन राजाओं के सामने अपनी बात रखी। जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, एक माँ बाप के परिजन है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। सरदार पटेल के भाषण का राजाओं पर उल्टा असर हुआ। आजादी के दिन से हम केवल 46 दिन दूर थे, लेकिन रियासतें जिद पर अड़ी थीं और रास्ता सरदार पटेल को निकालना था। 10 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने राजा महाराजाओं और उनके दीवानों को अपने घर बुलाकर समझाने की कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा ऐलान किया था कि हम राजाओं का स्वातंत्र का स्वीकार करेंगे। अभी उसको रोकने के लिए सरदार ने सबसे पहले माउंटबेटन को कहा कि आप इनसे बात करिए और समय परिवर्तित हो चुका है, ऐसा इतना उन लोगों को समझाइए। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, फिर जूनागढ़ की बात क्या करें। दूसरी तरफ 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस यानी आज के संसद भवन में 100 से ज्यादा राजाओं महाराजाओं और नवाबों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि वे ब्रिटिश शासन से ज्यादा उम्मीदें न रखें। जैसे ही राजाओं ने देखा कि ब्रिटेन से कोई मदद नहीं मिलेगी, उनका रुख नरम पड़ने लगा, अखंड भारत का सपना आकार लेने लगा। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी जब जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतों ने पाकिस्तान की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। देश बंटवारे की दहलीज पर खड़ा था। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ 565 रियासतों का अपना हकूक। रेगिस्तान गर्मी में तप रहा था। आखिरी छोर की रियासत जोधपुर में उसी दौरान एक बवंडर की आहट थी।
लेकिन उस वक्त दिल्ली में बैठे सरदार पटेल ने बवंडर को थामने का पूरा इंतजाम कर लिया था। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह के बागी तेवर मुखर थे। इसके पीछे थी जिन्ना और हनुमंत सिंह की मुलाकात। छह अगस्त 1947, 10 औरंगजेब रोड, निवास मोहम्मद अली जिन्ना, दिल्ली। कमरे में खामोशी जज्ब थी। 5 लोग बैठे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा कुमार जैसलमेर गिरधर सिंह, नवाब हमीदुल्लाह और मोहम्मद जफरुल्लाह, जो जिन्ना के सियासी सलाहकार थे। जिन्ना ने हस्ताक्षर करते हुए कहा था, आई हैव मेड माई पोजिशन क्लियर, मैं उन्हें हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। आपके लिए योर हाइनेस, मैं सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जो भी शर्त आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह दुविधा में थे कि करें तो क्या करें, क्योंकि 28 अप्रैल को संविधान सभा में जोधपुर को शामिल कर चुके थे। लेकिन अब जिन्ना के सियासी जाल में हनुमंत सिंह करीब करीब फंस चुके थे। हाथ में जिन्ना का साइन किया कोरा कागज था और दिल में रियासत की एवज में बेहद ज्यादा संसाधन लेने की मंशा पलने लगी थी। हनुमंत सिंह राजमाता से सलाह की बात करके जोधपुर वापस लौट आए थे। दरअसल इसके पीछे सरदार पटेल का भी खौफ था, क्योंकि वो जान चुके थे कि जब पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया तो जोधपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद को मिलाने के लिए पटेल कुछ भी कर सकते हैं। जोधपुर महाराजा पाकिस्तान में जाना चाहते थे, थोड़ा आकर्षित हुए थे, गए नहीं थे। जोधपुर महाराजा ने जब जिन्ना ने जो पेपर के सामने रखा साइन करने के लिए पेन उठाया, तब जोधपुर महाराजा के दीवान जो वहाँ पर हाजिर थे उन्होंने बताया कि महाराज साहब आप बादशाह को पहले पूछिए। जोधपुर रियासत के 36,000 वर्ग किलोमीटर में 50 से ज्यादा जागीरदार थे। बंटवारे के बाद जोधपुर की सरहद पाकिस्तान की सरहद से मिल जाती। यही लालच जिन्ना को था कि पाकिस्तान का दायरा कैसे सरहद के पास वाली रियासतों को मिलाकर बढ़ाया जाए। पटेल भी जानते थे कि जिन्ना का बंटवारे का प्लान सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं था, बल्कि वो अपने मंसूबे को जोधपुर और जूनागढ़ रियासतों के जरिए आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसे अलग स्टेट का नाम देकर पाकिस्तान अपने कब्जे में रखने की ख्वाहिश रखता था। सोचिए, अगर सिर्फ जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासत भारतीय नक्शे से अलग हो जाती तो देश का मानचित्र कैसा होता। लेकिन सरदार पटेल के रहते ये नामुमकिन था। आजादी में सिर्फ 9 दिन बाकी थे, लेकिन अभी तक जोधपुर रियासत का संकट सुलझा नहीं था। जिन्ना से मुलाकात के ठीक 4 दिन बाद सरदार पटेल जोधपुर में थे। सामने थे हनुमंत सिंह। 10 अगस्त 1947, हनुमंत सिंह और सरदार पटेल के बीच जो बातचीत हुई उसी से जोधपुर का मुस्तकबिल तय हो गया था। हनुमंत सिंह को सरदार पटेल ने जिन्ना के दावपेच से चित होने से बचा लिया। इसके अलावा सरदार पटेल ने एक भावनात्मक दांव भी खेला। पटेल ने कहा था, देखो हनुमंत, तुम्हारे पिता उम्मेद सिंह जी हमारे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हें हमारी देखरेख में छोड़ा है। अगर तुम रास्ते पर नहीं आए तो समझ लो कि मुझे तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए पिता के रोल में उतरना पड़ जाएगा। इतना कहने पर हनुमंत सिंह का दिल पसीज गया और सरदार के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया और फिर लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए।
वे लोग माउंटबेटन को भी मिले, हमें क्या करना चाहिए। माउंटबेटन ने बताया सरदार से मिले बिना कुछ भी मत करें। जब जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तीनों सरदार को मिले तब सरदार ने उनको बताया कि अतीत में आपके पूर्वजों ने दिल्ली के सल्तनत सुल्तानों के साथ जिस तरह समझौता किया था, अगर इस तरह के समझौते की अभी अपेक्षा करते हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरदार पटेल के सामने महाराजा ने कह दिया कि वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दिन बाद। ग्यारह अगस्त 1947 को तकरीबन 10 बजे महाराज हनुमंत सिंह वायसराय हाउस पहुंच गए और अंदर पहुंचकर वायसराय के पास बैठे मेनन की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और चिल्लाने लगे, कोई मुझे डिक्टेशन नहीं दे सकता। दरअसल ये हनुमंत सिंह की हताशा थी, क्योंकि उन्होंने जोधपुर रियासत की एवज में अपने सपनों का कारवां पाकिस्तान तक पहुंचा दिया था, जो निस्ता नाबूद हो चुका था। उसी दौरान सरदार पटेल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हनुमंत सिंह के सामने रख चुके थे, जिस पर हस्ताक्षर करने के अलावा हनुमंत सिंह के सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि सामने थे पटेल। 11 अगस्त 1947 को, यानी आजादी से महज 4 दिन पहले, जोधपुर भारतीय संघ में शामिल हुआ। लेकिन मुल्क की यह शक्ल जो आज आप देखते हैं, आजादी के 4 दिन पहले तक बिखरी हुई थी। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।